सो गाइस, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। तो क्या इस साल के समर स्लैम 2022 में रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा? तो क्या रैंडी ऑर्टन के रिटर्न होने के बाद हमें रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है? क्या रोमन रेंज के चैंपियनशिप को ले सकते हैं और कोई नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन, और रैंडी ऑर्टन डबल चैंपियन बन जाएंगे इस साल के समर स्लैम 2022 में? तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होने वाला है या नहीं, रैंडी ऑर्टन मैच जीतेंगे या नहीं, ये मैच होगा या नहीं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार मीट करो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पर ऑल पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सेल वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, सबसे पहले पूरी स्टोरी की बात कर लेते हैं कि रैंडी ऑर्टन के साथ हमें अभी अभी क्या देखने को मिल रहा है, रैंडी ऑर्टन WWE के टेलीविजन से क्यों ऑफ है। आपको मालूम होगा कि एक वीक के स्मैकडाउन में हमें अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है RK ब्रो वर्सेस द उसोस के बीच में, और जो भी इस मैच को जीतता उसके कंधे पे दो दो टैग टीम चैंपियनशिप चला जाता, और उस वाले मैच को और कोई नहीं बल्कि रोमन रेंज हेल्प कर देते हैं और वो रीडल पे अटैक कर देते हैं, जिसके कारण से उसोस टैग टीम चैंपियनशिप को जीत जाते हैं और उनके कंधे पे रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप भी चला जाता है। जब वो लोग टैग टीम चैंपियनशिप को जीतते हैं तो रोमन रेंज एंड उनके कजिन काफ़ी ब्रूटल तरीके से RK ब्रो पे अटैक करते हैं। उसके बाद से ही थोड़ा मोड़ा रिडल भी इंजर हो जाते हैं, लेकिन रिडल रिकवर कर जाते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन तो कुछ ज़्यादा ही उन पर ब्रूटल अटैक होता है, रैंडी ऑर्टन इंजर हो जाते हैं। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि रैंडी ऑर्टन भैया इंजर्ड हो चुके हैं और कुछ वीक के लिए या कुछ महीने के लिए वो बाहर जाएंगे, और एक्सपेक्टेशन ये लगाए जा रहे थे कि मनी इन द बैंक के बाद का जो रॉ होगा या स्मैकडाउन होगा वहाँ पे हमें रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल सकता है, और पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि हमें फ्लूट देखने को मिल सकता है रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और WWE अनाउंस कर सकती है कि समर स्लैम 2022 में हमें ये वाला मैच देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था कि ये वाला चीज़ हो सकता है, लेकिन गाइज अभी एक अपडेट का ये कहना है कि रैंडी ऑर्टन इस साल के जो भी 2022 का जो मंथ बाकी है उसमें वो रिकवर नहीं करने वाले हैं। यानी कि कुछ ऐसा कहना है कि रैंडी ऑर्टन 2022 के जितने भी मंथ अभी बाकी है, यानी कि आप कह सकते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी है, जुलाई भी है, उसमें रैंडी ऑर्टन रिटर्न नहीं आएंगे, और हो सकता है कि ये वाला जो मैच है वो हमें समर स्लैम 2022 में देखने को ना मिले और रोमन रेंज ही स्टिल अपना अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने कंधे पे रखेंगे। और हो सकता है गाइस कि ये वाला मैच हमें इस साल के समर स्लैम 2022 में देखने को ना मिले। बाकी देखते हैं गाइस कि ये वाला चीज़ होता है या नहीं,